हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता सिंह। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं बहुत ज्यादा स्पेशल जगह। सबसे पहले तो मैं आपको टाइम बता देती हूँ, अभी हो रहे हैं 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि हमें जाना है सुबह, हमें निकलना है 5:30 बजे तक हमें निकल जाना है या 6 बजे, क्योंकि आपको पता है लड़कियां लेट तैयार होने में कितना ज्यादा लेट करती हैं। तो हम सब जा रहे हैं और वैसे भी थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा मैं जा रही हूँ वृंदावन। सो आज मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि हम वृंदावन जाने वाले हैं। लाइक मैं वृंदावन अभी जा रही हूँ 3 साल बाद, लॉकडाउन के बाद मैं एक बार भी वृंदावन नहीं गई हूँ। लॉकडाउन से पहले मैं वृंदावन गई थी। मैं उठी हूँ यार, मेरी शक्ल देख लो, तैयार होंगी और अभी जो मेरी आउटफिट है मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या डाल के जा रही हूँ। सो गाइस, स्टे ट्यून, इस ब्लॉग को पूरा देखना, ये सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले जो मेरे ब्लॉग पे न्यू है जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब तक के लिए मैं हो जाती हूँ तैयार। फाइनली मैं एक सोल्यूशन पे आ चुकी हूँ कि मैं ये वाली ड्रेस डालने वाली हूँ। काफी लोगों ने मेरी पहले ये ड्रेस देखी होगी, ये मैंने गुजरात में डाली थी, बट इसको सेकेंड टाइम वेयर करने का टाइम आ चुका है। सो जल्दी से मैं इसको डाल के रेडी हो जाती हूँ। हे गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैंने डाला है लहंगा। मतलब ये थोड़ा सा ना, मतलब जो स्टफ है कॉटन का है, तो मैं सोच रही थी गर्मी में लहंगा डाल के जा रही हूँ, बट मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब हम बस निकल रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो ही गया है। सो गाइस, राधे राधे, भैया आ गए हमें लेने और मैंने अभी झुमके अपने उतार दिए क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी थे। भैया ने मुझे बताया वहां पे तेरे को इतनी भीड़ दिखने वाली है ना, जितना जितना शीशन वीशन डाल के जा रहा सारा, तो मैं भीड़ में अपनी होश नहीं होगी। बंदी भाभी, अब उसका देखेंगे। भैया कह रहे अपनी साड़ी संभाल लेना, अपने लहंगे संभाल लेना, अब आ गए हम उनकी गली में उनको लेने। अगर हम अभी रेडी नहीं होते ना तो बड़ा चिल्लाना था उन्होंने हमारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने मेरे को सुबह कॉल करा था, मुझे उठाया भी भाभी नहीं है, उठ 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 उठ, उठी नहीं और मैं उस टाइम बेड पे लेटे थे। फिर मैंने कहा यार अब उठना ही है, तो उठ ही जाती हूँ। एक बात यह है कि मेरे को बुरा लगा है क्योंकि दृष्टि मैडम नहीं आई है। मैंने ब्लॉग में बोला था दृष्टि आ रही है, भैया आ रहे हैं, भाभी आ रही है, दृष्टि नहीं आई है। गाइस वो बीमार हो गई है, बीमार तो मैं भी हूँ लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ, थोड़ी इतनी ठीक हूँ, शायद वो ज्यादा ही बीमार है। और सही है वैसे, वो वहाँ और बीमार हो जाती है, वो भीड़ देख के वैसे ही घबरा जाती है। बहुत छोटे दिल की है दृष्टि, व्लॉग देख रही होगी हंस रही होगी। हाँ आई नहीं ना गाइस, तो देख सकते हैं है? क्यों भारी उठा लेगा, चल मैं आती। पता मेरे साथ क्या हुआ है, जो एंड में मुझे मम्मा ने बैग दिया था ना, पता नहीं मैंने अपने लहंगे मतलब पेट के कहाँ घेर दिया। मैं एक बार दीदी के घर के नीचे उतरी, दीदी कह रही हूँ भाभी के घर के नीचे उतरी थी, और मेरे को लग रहा है मैंने गाड़ी में बस गेट से गाड़ी तक में खो दिया हो। दीदी मेरे गेट पे गिरा था, उठाया भी है मैंने, और ये दोनों हंसे भी थे। भैया तो मेरे को नहीं पता, ये हंस रहा कह रहा छी ये भी नहीं संभाला जा रहा, इसी की नजर लगी, ये रहा नजर पट्टू। अब गाइस पता नहीं वो कहाँ बेचारा, इतना सुंदर मैं मुंबई से लेके आई थी, अगर वो खो गया ना तो मेरे को बहुत। पापा भी फोन नहीं उठा रहे और पापा को मैंने 10 कॉल करी है भाई, पापा कब से साइलेंट निश्चिंत होके सोने लग गए, मेरे को आज पता चला है। आज मुझे वो फीलिंग आ रही है जब मेरे फोन पे 20 मिस कॉल होती है किसी की, तो मेरे को आज पता चल रहा है कि अब तेरे को पता चला। जैसे गाइस हम फोन नहीं उठाते तो अब मेरे को पता चल रहा है वो अब घर के नीचे पड़ा होगा, जमीन पे रोड पे लोग उठा के भी ले गए होंगे। चोर तो है ही हमारे शिवाजी नगर में बहुत, और तो और निकामवली उठा के ले जाइए। सोचेगी आज तो लॉटरी लग गई, वो इतना सुंदर पर्स है यार, वो साइड पे बहुत सुंदर है इस सही में यार। सब हंस क्यों रहे हो, मेरा पैसे भी पड़े थे, पैसे पड़े हो तो मैं यही उतरता। जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैंने मम्मा से ना वो पर्स, तो चलो जो भी हुआ मैंने आंटी को फोन करा जो हमारे नीचे रहते हैं कि आंटी मेरा पर्स ना बाहर गिरा, तो उन्होंने कैमरे में देखा वो वही था। जब उन्होंने नीचे जाके देखा छूमंतर हो गया गायब, मतलब इतने में कोई उठा ले गया। फिर उन्होंने कैमरे में चेक करा तो एक लेडी है जिन्होंने वो पर्स उठा लिया। भाई क्यों यार, अभी मैं गलती से मुंह से निकल गया था कि हमारे शिवाजी नगर में चोर है, सच में तुमने ये काम करा है क्या, दिखा दिया
अब आंटी उनके घर गई है क्योंकि मेरी मम्मा, ऐसा हो सकता है शिवाजी नगर में किसी को पहचाने ना, वो आंटी को जानती थी। अब उन आंटी का मैं नाम तो नहीं लूंगी, आंटी गलत बात है, किसी के घर के आगे से पर्स लेना ना बहुत गलत बात होती है। अब मेरी मम्मी गई है आपके घर लेने, चुपचाप दे देना मेरा पर्स, और झूठ झाट बोला ना कि आपका है ये वो, प्रूफ है हमारे पास। आंटी ना रिपोर्ट कर देंगी, कहेंगे 15 दिन बाद की। भाई मैं इतनी खुश, आंटी ने बोला हाँ बेटा दिख रहा है नीचे पर्स पड़ा है, मैं निश्चिंत। लो अब तो आंटी उठा लेगी, मम्मी को दे देंगी। अभी कॉल आया, बेटा मैंने देखा एक लेडी ना तेरा पर्स उठा के लेके जा रही है, मैं कह रही मेरी आई हुई खुशी वापस चली गई। मैंने बोला भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या बनी। और पापा फोन कर रहे, बेटा क्यों फोन कर रही थी, मैं उनको बोल रही हूँ पापा मेरा पर्स था वो मिल गया, आंटी ने उठा लिया। अब मैंने दोबारा कॉल करा है, आपकी वजह से ये सब हुआ, अगर पहले आप उठा लेते ना तो आप पहले ले आते मेरा पर्स। अब पता नहीं क्या बना, आंटी उनके घर गई है मेरी मम्मा के साथ, ले आएंगी यार पर्स में पैसे वैसे नहीं है गाइस, मैं आपको बता दूं। हम आए हैं गुलशन ढाबे पे, अब बस 40 मिनट्स का अभी रह गया है तो हम बस पहुंचने वाले हैं। और भाई बहुत भीड़ है आज, तो वैसे ही बहुत बड़ा दिन है, वैसे ही बहुत भीड़ है और इस ढाबे पे भरा पड़ा है। खाना खा रहे हैं, सो फाइनली गाइस अभी हम आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं, और अभी भी हमें टाइम है पहुंचने में क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच गए हैं 9 बजे। 9 बजे पहुंच गए थे ना भैया, 9 बजे हम पहुंच गए थे। आज के दिन जाम बहुत है। फाइनली गाइस निकल चुके हैं, रिक्शा पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ से रिक्शा करके हमें जाना होता है बांके बिहारी मंदिर, तो ये ना अभी रिक्शा बताएंगे। यहाँ से थोड़ा सा महंगा पड़ता है, या पता नहीं कितना, 50 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, फिर छोड़ते हैं हमें अंदर जाना है क्योंकि पार्किंग पहले है, फिर हमें ई रिक्शा करके जाना होता है अंदर। नेगोशिएट कर रहे हैं, देख सकते हो ऋषभ को गोदी में, ये देख लो बेचारे को जगह नहीं मिली यार। ऋषभ क्यों रख रहा है, सारा मेकअप उतरता हुआ। ये श्वेता भटक गई थी, ये भैया भी टेंशन में, ये गाइस पता क्या हुआ, मैं निकली 4 नंबर गेट पे, खो गई भाई, मैं एंड तक गली के एंड से वापस आई हूँ मंदिर तक, कि इसको मैंने बोल दिया कि 4 नंबर गेट पे आऊंगी। ये देखो इसका, हाँ जी घाघरा देख रहे हो, अरे लोगों ने रोंद दिया था ये तो, अरे इसी से तो पड़ी थी। लहंगा देख रहे थे, मैं क्या यार गलती से डाले, दोबारा प्रसाद भी मिला आ रहा है तब तक कुछ नहीं, और माला भी। फाइनली दर्शन हो गए हैं, मेरी हालत देखो, हम जूस के लिए रुके हैं, दर्शन हाँ बहुत भीड़ थी। मैंने आज लाइफ में पहली बार इतनी भीड़ देखी है मंदिर में, पहली बार, और जिसमें मैं खो गई। कैसा लगा था आपको जब मैं खो गई थी? मैं तो दीदी ने क्लिप बनाई है, मैं ऐड कर दूंगी, बेचारी टेंशन ले रही थी। और सच में गाइस मैं रोने वाला, इसने मेरे को एक भी फोन भी नहीं दे रखा, मैंने लोगों को रोक रोक के बोला भाई मेरे को फोन करना, मेरे को फोन करना, फिर एक दो चार बंदे अच्छे थे यार, सभी वैसे दे देते हैं। हाँ एक जरूरी सूचना दे दूं मैं, 12 बजे गेट बंद हो जाता है, 5 बजे खुलता है। फिर हमारा रेडी हुए हैं थोड़ा थोड़ा, अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर क्योंकि वो खुलता है 4:30 बजे। मतलब वेट करा फिर 2-3 घंटे, फिर हमें जो मतलब बांटना था दीदी को, चावल बांटे हैं दीदी ने, बहुत पुण्य का काम करा है आज। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जितना मिलता है आप उससे ज़्यादा लोगों को देने में बिलीव करें। प्रेम मंदिर देखो कितना सुंदर है, सारे दर्शन कर लो बाहर से। अब हमने लगा
लगवा लिया टीका, क्योंकि हमने ना घर से आए थे क्योंकि पसीने आ जाएंगे हम डर रहे थे कि अब शाम हो गई तो हमने टीके लगवा लिए। ये टीका मेरा फेवरेट है, अच्छा लग रहा है। फाइनली अब हम आ गए हैं और हमने भाभी को भी छोड़ दिया है, भाभी भी अब घर चले गए और अब हम जा रहे हैं अपने घर। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे 15K होने वाले हैं, कर दो जल्दी से, जो यहाँ तक आया भाई वो मेरे जाके 15K करवा दो। ठीक है, बाय।